वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग लैपटॉप का एक फिर से नया वर्जन में आ गए। तो पहले हम लोग जो पोर्ट डिटेल्स के बारे में देखे थे, आज हम उसके आगे जाकर देखेंगे कि ये पोर्ट डिटेल्स कैसे काम कर रहा था, वो हम अब देखेंगे फिर। तो हमने पहले जो पोर्ट देखे थे उसमें क्या हुआ था, साटा, फिर ऑडियो, लैन, ये सब हम लोगों ने कॉम्प्लीट किया था। अभी हम लोग देखेंगे कि मदरबोर्ड में हमारा जो ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है, कैमरे का कनेक्शन होता है, वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ब्लूटूथ या फिर उसका कैमरा को देखेंगे, तो सबसे पहले हमको कैमरा को, मतलब कैमरा का जो डिटेल है उसको जानना पड़ेगा। तो एक कैमरा का जो डिटेल होता है, जैसे कि ये है हमारा कैमरा, एक मदरबोर्ड में जो कैमरा होता है, मतलब जिसको हम सीमॉस कैमरा या फिर वेबकैम के नाम से पहचानते हैं, तो हम लोग पहले उसका पिन डिटेल देख लेंगे कि उसमें कितना पिन होता है, उसका काम कैसे होता है, फिर जाके हम लोग उसको सर्किट देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कैमरा है जो है 27 नंबर पेज में, तो हम लोग यहाँ पे 27 नंबर पेज में चला जाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सीमॉस कैमरा लिखा हुआ है और ये है हमारा एलवीजीएस कनेक्टर। ये हो गया हमारा एलवीजीएस कनेक्टर। तो ये जो एलवीजीएस कनेक्टर होता है, इसमें हमारा डिस्प्ले का कनेक्शन होता है और डिस्प्ले के बाद इसके साथ साथ हमारा कैमरा का कनेक्शन भी होता है, और अगर कैमरा के साथ साथ माइक्रोफोन होगा तो उसका भी कनेक्शन यहीं से हमारा मिलेगा। तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे ना, ये जो कैमरा है, इस कैमरा को काम करवाने के लिए हमारे पास चार पिन होता है। तो कैमरे मतलब वेबकैम को काम करने के लिए यहाँ पे चार पिन मिलेगा, जो कि यहाँ पे 1, 2, 3 और ये है 4। ये चार पिन के थ्रू जाके कैमरा काम करता है। और इसका जो कनेक्शन है ये लगभग आपका यूएसबी की टाइप का है, मतलब यूएसबी पोर्ट का जैसा पिन डिटेल होता है, इसका भी पिन डिटेल कुछ वैसा ही है। इसमें चार पिन है, जो चार पिन यहाँ पे एलवीडीएस कनेक्ट करता है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये चारों पिन के थ्रू दिया गया है। तो अगर ये चारों पिन के थ्रू इसका पावर और डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके अंदर सबसे पहले उसका वोल्टेज आना चाहिए। तो ये कैमरा का जो वोल्टेज है वो आ रहा है सीमॉस पावर नाम से, जब एलवीडीएस कनेक्टर का मतलब ये वाला जो बोर्ड है उस बोर्ड का 1 नंबर पिन में आ रहा है, उसका 2 नंबर 3 नंबर है डेटा माइनस और प्लस, 2 नंबर है डेटा माइनस और 3 नंबर है डेटा प्लस। तो ये पॉजिटिव, फिर डेटा माइनस प्लस, उसके बाद ग्राउंड, ये होके ये वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा है। तो ये है इसका कनेक्शन। अब हम लोग इसका जो सर्किट है, ये सर्किट कैसे किसके साथ कनेक्टेड होता है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए ये जो कैमरा होता है ये किसके साथ कनेक्टेड है ना, यहाँ पे ये है हमारा ब्रिज, तो ये कैमरा ब्रिज के साथ कनेक्टेड है और इसका जो डेटा लाइन है वो यूएसबी 2.0 के हिसाब से काम करता है। तो हम लोग फिर से 27 नंबर पेज में चला जाते हैं, तो उसका सर्किट यहाँ डिस्प्ले पे है, तो हम उसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। तो ये था उसका चार पिन, उसके अंदर ये है उसका पॉजिटिव वोल्टेज का। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल बी, पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो देखिए ये है उसका पावर, इसका जो पावर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैमरा को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ से 5 वोल्ट सेकेंडरी आ रहा है, फिर एक मॉस्फेट फ्लू करके यहाँ पे वोल्टेज पास करके दिया जा रहा है हमारा कैमरा पर। तो ये जो कैमरा होता है, मतलब वेबकैम होता है, तो इसका टोटल हो गया हमारा 4 पिन। तो सीमॉस
उसका पिन डिटेल क्या होगा, नाइक नंबर पिन होगा उसका, डीसीसी जिसमें अगर हमारा आएगा यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट, फिर उसके बाद होगा 2 नंबर पिन, जिसमें हमारा रहेगा डेटा माइनस, फिर 3 नंबर पिन जिसमें रहेगा डेटा प्लस, और जो 4 नंबर पिन होता है मतलब लास्ट पिन, उसमें होगा हमारा ग्राउंड। ये हो गया हमारा कैमरा का 4 पिन, इसमें एक नंबर होगा वीसीसी यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट, फिर उसके बाद डेटा माइनस, डेटा प्लस और ग्राउंड। ये हो गया इसका टोटल 4 पिन का कनेक्शन। अभी ये 4 पिन कैसे काम करता है अगर हम उसको देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सीमोस का पावर है जो कि आ रहा है 5 वोल्ट सेकेंडरी से, जो कि इसका एक नंबर पे जाएगा। तो इसका पॉजिटिव वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए हम लोगों के पास सेकेंडरी का वोल्टेज आता है। तो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ से पास होता है, होने के बाद इसका सोर्स पॉइंट पे पहले इनपुट होता है। यहाँ पे एक पी चैनल मॉस्फेट है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो कैथोड पॉइंट है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है।